दिक्कत हो रही है, सरकार कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे साथ कानून क्यों बनाए ऐसे? ड्राइवर खत्म हो जाता है एक्सीडेंट में, 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए ड्राइवर को। किसी से भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए सरकार को। हम 24 में इस सरकार को ही उखाड़ देंगे। ड्राइवर को अगर कोई चोट आती है, हाथ पैर टूटता है, तो उसको 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। बीमा भी होना चाहिए। उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो 1 करोड़ मिलना चाहिए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जो ट्रक सड़कों पर नजर आते थे वो अब सड़कों से गायब हो गए हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया है। जो नया आपराधिक कानून बना है उसमें हिट एंड रन की जो धारा है उस कानून में सजा बढ़ा दी गई है। अब 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है, जिसके चलते पूरे देश में ट्रक ड्राइवर्स चक्का जाम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीर है, पंजाबी बाग के, यहाँ आपको ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे। अमूमन ये सारे ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर होते हैं, कहीं माल लेने जा रहे होते हैं, माल छोड़ने जा रहे होते हैं, लेकिन अब ये आकर के यहाँ अपना ट्रक खड़ा करके उन्होंने छोड़ दिया और बोल रहे हैं कि हम सड़क पर नहीं जाएंगे, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो कानून है उसे वापस दिया जाए। और ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है। अगर आप ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको भी, अगर आप हिट एंड रन करते हैं, किसी को उसे टक्कर मार के भाग जाते हैं या अस्पताल में ले जाते हैं, तब भी 5 साल की सजा तो मिनिमम है ही। तो 7 लाख के जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो गई है जो भी गाड़ी चलाते हैं। तो जो भी ड्राइवर्स हैं वो इस बात को लेकर के परेशान भी है और रोष में भी हैं। सरदार जी, कहाँ से आप? पंजाबी बाग से ही हैं। सारे ट्रक ड्राइवर्स आप लोग हड़ताल कर रहे हो? हाँ, सारे। किस बात पे नाराज? उन्हें कल तो बनाया इन्होंने, कल को दूसरा बंदा आके ठोक जाए, आगे आके ठोक जाए, तो ड्राइवर की क्या गलती है? 10 साल ड्राइवर को रहेगा, फिर माल के भी परेशान होएगा, ड्राइवर भाग जाएगा गाड़ी छोड़ के, माल क्या करेगा वहाँ पे? ये भी है ना समस्या, दोनों सारे बातें है, छोटी गाड़ी बातें भी है, बड़ी गाड़ी बातें भी। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पब्लिक तो मार डालेगी हमें, पब्लिक तो हमें छोड़ेगी नहीं। मान लीजिए मगर गाड़ी अगर रोक करके अगर हम पेशेंट को ले जाए हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पब्लिक तो हमें पब्लिक तो छोड़ेगी नहीं हमें। ये कानून सही नहीं है, कानून गलत है, ये अंधा कानून है, ये कानून सही नहीं है। कितने साल से ट्रक चला रहे हैं आप? मेरे को 20 साल हो गए जी। 20 साल हो गए, तो कभी आपसे भी एक्सीडेंट हुआ ही होगा? जी एक्सीडेंट तो मान ले रोड पर चलते हैं तो होते रहता है जी, लेकिन ये कानून सही नहीं है जी। ये काला कानून है, इसके खिलाफ हम खड़े, और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ऐसे ही हमारा चलता रहेगा ये प्रदर्शन। और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का, हम जंतर मंतर बैठेंगे 3 तारीख को, हम सरकार को घर जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, हमें न्याय चाहिए। ये काले कानून एक्सीडेंट, अपने अपने घर चले जाएंगे। हो सकता है किसी से भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए सरकार को। हम 24 में इस सरकार को उखाड़ देंगे। क्या बात कर दी आपने? हाँ, सरकार कर रही दादा, सरेआम गुंडा कर दी। हम ड्राइवर हैं, पुलिस वाला मेरे पीछे है, चोर चक्के मेरे पीछे हैं, ट्रांसपोर्टर मालिक मेरे पीछे है, ठीक है, उसके बाद 2 पैसा बचता है तो मैं अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, ठीक है। ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्या होती है, लगभग कितनी होती है? क्या होती है? 10-15 हजार लास्ट। अच्छा, जब एक्सीडेंट होता है तो जो भी खर्चा लगता है, यानी किसी को आपने अस्पताल ले गए, दवा दारू कराया, तो मालिक देता है या आप लोग अपनी जेब से देते? नहीं, अभी तक तो मालिक ही करता था मतलब, लेकिन जो मालिक है करने लगा वो, और जो नहीं है तो ड्राइवर ही करता था। लेकिन अब जो है ना, जो कानून लागू किया, 7 लाख रुपया कितना भरेगा, 10 साल की सजा काटेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे उसके, किस जाएंगे बच्चे उसके, क्या करेंगे बच्चे? या तो मालिक हर महीने सैलरी उसके घर पहुंचा दे 25,000-30,000 रुपये, और अगर ड्राइवर XYZ ड्राइवर खत्म हो जाता है एक्सीडेंट में, 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए ड्राइवर को, 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ड्राइवर को, एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। सरकार आप लोगों का इंश्योरेंस कराए? नहीं, इंश्योरेंस तो सर जी करवा रखा है गाड़ी जैसे किया है, वो कह रहे हैं इंश्योरेंस के बाद भी अगर गाड़ी से डेथ होती है तो सरकार वो जो 7 लाख रुपए लेगा वो किस चीज़ कर लेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पे करेगी? तो इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी ले रखे, इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब यही है कि ड्राइवर ने अगर
ड्राइवर अगर ड्रिंक नहीं कर रखी, कुछ नहीं कर रखी है और गलती से कुछ दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पेबल है। हाँ, ड्राइवर ड्रिंक कर रखी है वो बात अलग होती है, मैटर अलग होता है। तो ड्राइवर ने कोई नशा बंद कर रखा, ड्राइवर ने किसी को मार दिया तो मान सकते हैं, तुम ड्राइवर के ऊपर जुर्माना करो। जब ड्राइवर सूफी में है, नशे में नहीं है, कोई भी नहीं है और फिर कुछ हो रही है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। कल का अपने गोल चक्कर मारुति वाले बोल सेट हैं, गाड़ी में आके फैल दी, गाड़ी पलट गई, 14 फुट्टी गाड़ी पलट गई टाटा की, यही गोल चक्कर पंजाबी बाग पे। और बंदे भगा दिया पुलिस वालों ने, बंदे भगा दिया ओडी में बैठाल के, मेरे आगे बात है, मैंने गाली भी जनता को दूध सब्जी फल क्या सेवा नहीं है देश की, ये ड्राइवर ही हर एक का बस है, ये सरकार कहाँ से कानून ले आएगी। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मैं मेवास्ट हूँ। आपने भी गाड़ी खड़ी कर दी? अपने खड़ी कर दी, घर जा रहे हम, छोड़ के सारी गाड़ी खड़ी कर दी है, गाड़ी खड़ी कर दी है, कोई अपनी माँ बहन करवाएगा नहीं, अपने ऊपर इल्जाम लेगा नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ड्राइवर एकता, जिंदाबाद ड्राइवर एकता, जिंदाबाद ड्राइवर एकता, जिंदाबाद। बात तो करने दीजिए, आप लोगों को समझने दीजिए। हाँ, ये बताइए कि अब ये कानून तो सबको सबके लिए होगा, सड़क पर चलते हैं, आप कह रहे अगर सामने वाले की भी गलती है तो भुगतेगा ट्रक ड्राइवर ही? हाँ जी, वही भुगतेगा, नहीं भुगतेगा, नहीं भुगतेगा, ऐसा उनका कहना है, नहीं भुगतेंगे हम, हम लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। हम ड्राइवर एकता बना के रहेंगे, ये काले कानून वापस करा के रहेंगे, हम चुप होने वाले में से, हम ड्राइवर है, हम जनता की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। साला साहब, घर परिवार छोड़ के, हम परिवार छोड़ के देश की सेवा, कहाँ रोड भटकते हैं, कोई है माई बाप है, कोई बाप बेटा भाई बहन सब बच्चे भाई क्या कहते हैं कि चलो हमारा बेटा मतलब नौकरी कर रहा है, लेकिन वहाँ क्या है, दादरी ठोकरे खा रहा है, लेकिन उसको आज अमित शाह और ये मोदी क्या कर रहा है, हैं? इनका सुनवाई हो रही है आप लोगों की? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, रोड पे हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चक्का जाम किया आप लोगों को, कई जगह देश में चक्का जाम किया है, सड़कें बंद की हैं, पेट्रोल डीजल की अब किल्लत होने लग गई है, तो अब ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को लोगों के बारे में सोचना चाहिए, आम लोग सफर हो रहे हैं, आम लोगों को दिक्कत हो रही है। सरकार हमारे बारे में सोचेगी तो हम तो आप लोगों के बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा तो हम कैसे किसी के बारे में सोचे। अच्छा ये बताइए आप बताइए, अब पेट्रोल कई जगह आ रहा है, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, कई जगह पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है चक्का जाम से, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों की समस्या है, पर आम लोग आपने हड़ताल की तो आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, सरकार कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कानून क्यों बनाए ऐसे, बताइए। ड्राइवर जो मजबूर है उसका नहीं तो कोई दिक्कत, उसको कितनी बड़ी दिक्कत है, आप ये देखिए ड्राइवर कहाँ से इतने पैसे भरेगा, उतनी इतनी सैलरी नहीं है। अगर ड्राइवर अगर वहाँ से ड्राइवर की मजबूरी हो जाती है जाना, अगर ड्राइवर वहाँ से नहीं जाएगा तो पब्लिक कई पब्लिक की भीड़ की शक्ल होती है, पब्लिक उसको मार देगी, उसका कौन मुआवजा भरेगा। उन्होंने ड्राइवर पर डाल दिया 7 लाख मुआवजा भरेगा, लेकिन अगर ड्राइवर मौके पर खड़ा है और भीड़ ने उसको मार दिया, ड्राइवर को मार दिया, उसका कौन पेबल है, उसका मुआवजा कौन भरेगा। या फिर ये भी तो डिक्लेयर हो ना कि ड्राइवर वहाँ खड़ा कोई कांड वगैरह तो ड्राइवर को कुछ हो गया तो ड्राइवर की फैमिली को पैसे मिलने चाहिए, फिर उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। अजय बताइए, आप के ट्रक होंगे या चलवाते होंगे चलाते होंगे, पुलिस का क्या रोल रहता है अभी तक अमूमन? पुलिस वालों का गंदा व्यवहार रहता है, अभी कल की बात कल ही एक ड्राइवर हमारा बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों ने, और यही टैंकर चलाता था, यही का बंदा था, हमने देखा है हमारा पुलिस वालों ने, हमारा ड्राइवर कोई भी अगर थोड़ा सांस है उसके अंदर तो उसको जबरन मार दिया जाता है, उसको देंगे उठा करेंगे, उसकी लिखत पढ़त नहीं, उसको देंगे ड्राइवर तक कैसे चक्का जाम रखेंगे, ये तो रहेगा दादा, ये तो रहेगा, हम ज्यादा कानून वापस नहीं होंगे जब तक ऐसा ही रहेगा। तो ड्राइवर की सैलरी होनी चाहिए 70,000 रुपये, गंती सरकार की है, एक मिनट, 70,000 रुपये ड्राइवर की सैलरी होनी चाहिए, ड्राइवर को अगर कोई चोट आती है हाथ पैर टूटता है तो उसको 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो 1 करोड़ मिलना चाहिए, और अगर ड्राइवर से कोई बंदा मर जाता है जो जेल में रहता है तो हर महीने 70,000 रुपये उसके बच्चों के लिए उसके घर जाने चाहिए, हर महीने 70,000 रुपये 10 साल तक सारे ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट नगर की सब ड्राइवरों ने अपने जो है ट्रक यहाँ पर ला ला के खड़े कर दिए हैं, सारे ट्रक ड्राइवर्स या तो सड़क पर जहाँ पर उन्होंने खड़ी कर दी है और जो ला सकते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में अपने ट्रक उन्होंने यहाँ पर ला करके अपने ट्रक खड़ा कर दिए हैं हर जगह से। आपने भी चक्का जाम किया है? चक्कर जाम से हैं आप? मेवास से। क्या नाराजगी किस बात को लेकर? बस ये भाई 10 साल जेल कर रखी है, 7 साल की 10 साल की सजा है, सारा जीवन कौन देगा ड्राइवर, गरीब आदमी कहाँ चलाएगा। कितने साल से आप ड्रग चला रहे हैं? हम चला रहे हैं 18 साल से।
18 साल से, तो जब कभी दुर्घटना घटना हो जाती है तो आप लोग कैसे अपना बचाव करते हैं या क्या करते हैं? अब तक कानून में सिर्फ 2 साल की सजा थी, थाने से लोग कहते हैं भाई तो थाने से छूट जाते हैं। भाई ऐसा है, ड्राइवर कभी जानबूझ गलती करता नहीं रोड पे, अगर गलती हो भी जाती है ड्राइवर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक से लोग डर के भाग जाते हैं, अगर ना भागेंगे तो पब्लिक जान से मार देती है ड्राइवर को, तो क्या करें, अपना बचाव करें, किसका बचाव करें। तो आप देखिए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग कि अगर हम लोग रुक जाएं और अगर अस्पताल लेने जाके नहीं की भी कोशिश करें तो जो है लोग जो है मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह आपको ट्रक नज़र आएंगे, ट्रक ड्राइवर्स आपको नज़र आएंगे, झुंड झुंड में ट्रक ड्राइवर्स हैं, कई जगह चाहे उत्तर प्रदेश के कई इलाके हों, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जगह जगह सड़क पर किसानों ने माफ़ कीजिएगा ट्रक ड्राइवर्स ने सड़क बंद की है, चक्का जाम किया है, पेट्रोल पंप्स में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लग गई है, लखीमपुर में लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कई जगह पेट्रोल जो छोटे पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया है। अब इस बात की भी आशंका है कि जब माल नहीं पहुँचेगा तो सब्जी फल आदि महंगी हो जाएंगी। तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो ये ड्राइवर्स हैं, ये इस बार एक हो गए, इनका कहना है कि सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो उन सब लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो गाड़ी चलाते हैं और कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है। अगर कोई शराब पिए हुए है और वो ड्रंक एंड ड्राइव करता है उसको 120 भी लगाया जाए, उनके ऊपर ज्यादा जुर्माना लगाया जाए, उम्र कैद दी जाए, लेकिन अगर ड्राइवर शराब नहीं पिए है और एक्सीडेंट होता है तो उसको 10 साल की सजा दी जा रही है, वो बिल्कुल जायज नहीं है। तो देश भर में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रक ड्राइवर से चक्का जाम किया है, पेट्रोल डीजल से लेकर के तमाम चीजों की किल्लत शुरू हो गई और आगे और होगी और महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। सहयोगी शायन अस्कर के साथ दिल्ली के पंजाबी बाग ट्रांसपोर्ट नगर से सौरभ शुक्ला द रेड माइक के लिए।